बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन। इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक मुश्किल ये भी होती है कि आपको अपने बच्चों की शादी करना है। और आप सभी को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि आज के जाते वक्त के अंदर जितनी ज़्यादा महंगाई है, शादी करना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो गया। लेकिन मिज़ान के वेडिंग सेविंग प्लान से आप बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके आप अपने लिए अच्छे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, वो भी 100% हलाल तरीके से, और अच्छी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, अच्छा पैसा मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं और अपने बच्चों की शादी को आसानी से कर सकते हैं। सीधा पॉइंट पे चलते हैं। इसका नाम रखा गया है मिज़ान सेविंग प्लान, के अंदर ये आता है और आप इस प्लान के थ्रू अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई को भी लेके आप वो भी इस प्लान से कवर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस प्लान के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे इसका अगर मैं ब्रोशर यहाँ पे ओपन करूँ तो प्लान का मकसद क्या है जी, यहाँ पे MPFP वेडिंग सेविंग प्लान शादी की मंसूबा बंदी के लिए एक मुकम्मल और कामल वसीला बन सकता है। मुस्तकिल सरमायाकारी की आसानी के साथ हस्बे ज़रूरत रकम के इंतखाब का हक आपके पास मौजूद है। वेडिंग सेविंग प्लान में सरमायाकारी के फ़ायदे क्या हैं जी, मतलूबा वक्त पर शादी के लिए ज़रूरी रकम फराहम करने में मदद हासिल करना, तकाफुल कवरेज से फ़ायदा उठाने का इख्तियार मौजूद है जिसकी रकम अल मिज़ान के पास रखे गए सरमायाकार की इन्वेस्टमेंट अकाउंट से काटी जाएगी। अब इसके प्लान की खसूसियात देख लें कि कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की मुद्दत के लिए दस्तयाब है। जो माहाना, सामाई, शशमाई या सालाना इकसाद का इंतखाब आप खुद करेंगे कि आप कौन सी इकसाद जहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा इसका क्या मतलब है। कोई बैक एंड लोड नहीं है इसके ऊपर। प्लान असल सरमायाकार के 60 साल की उम्र तक पहुंच जाने तक कारामद होगा, यानी कि अगर आपकी एज 40 है या 50 है और आप 18 साल का इंतखाब करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। आपकी उम्र 60 साल से नीचे ही होनी चाहिए जब आपका प्लान इख्तिताम को पहुंचेगा। आप सिर्फ 5,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट एलोकेशन प्लान होते हैं। एलोकेशन प्लान का मतलब होता है कि आप जो भी एलोकेशन प्लान सेलेक्ट करेंगे उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ के प्लान्स होंगे कि वो आपका प्लान कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका रिस्क फैक्टर कितना है। अब इसके अंदर 4 तरह के प्लान्स आते हैं, एग्रेसिव एलोकेशन प्लान, मॉडरेट एलोकेशन प्लान, कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान और वेरी कंजर्वेटिव एलोकेशन प्लान। एग्रेसिव प्लान यानी कि जिसमें हाई रिस्क होता है, ये इक्विटी स्कीम में 65% इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। इक्विटी स्कीम से मुराद है कि स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट होती है और 25% जब वो फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होगा, प्राइस बॉन्ड में होगा, इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब इसके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी तरह मॉडरेट एलोकेशन प्लान है, इसमें 45% इक्विटी में होता है और बाकी 45 जो है वो इसकी तरह मनी मार्केट में और फिक्स इनकम में होता है, तो इसका मीडियम रिस्क है। और लास्ट पे आता है वेरी कंजर्वेटिव, जिसमें 100% जो है वो फिक्स इनकम और मनी मार्केट में होता है, जिसपे रिस्क बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप मीडियम का सिलेक्ट करें। हाई रिस्क में नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं लेकिन साथ में फ़ायदा भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये हाई रिस्क है तो मेरे ख्याल में एक स्टार्टर बंदे के लिए यहाँ पे आपको हाई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मॉडरेट या कंजर्वेटिव आप इन दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी कंजर्वेटिव में क्या है कि नुकसान होने के चांसेस तो ना होने के बराबर है लेकिन फ़ायदा भी आपको कुछ खास नहीं होने वाला है। इसमें आपको तकाफल कवरेज भी मिलेगी और यहाँ पे आपको मीडियम और हाई रिस्क के अंदर ये दोनों आते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जब वो इसका ऑनलाइन अकाउंट जब उसको ओपन करना होगा, यहाँ पे ओपन योर डिजिटल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपका इसका डिजिटल अकाउंट ओपन करके यहाँ से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जब वो इसके मुख्तलिफ गोल्स वाइज प्लान नज़र आ जाएंगे, जिसमें आपको वेडिंग सेविंग प्लान भी नज़र आ जाएगा। अब आपको क्या है कि यहाँ पे 3-4 किस्म की एक साथ रखी गई, यानी कि आप मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, यानी कि आपने जो भी मुद्दत सेलेक्ट करनी है, आप कहते हैं जी मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उसके बाद आपने एक साथ की डेट सेलेक्ट करनी है कि आपने महीने के इनको पैसे देने हैं, 3 माह बाद देने हैं, 6 माह बाद देने हैं, साल बाद देने हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं मिज़ान का, और यहाँ पर आप कहते हैं कि जी मैं यहाँ पर तकरीबन महीने की 5,500 की इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैं कहता हूँ जी, कहता हूँ कि जी मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ,
अब एक चीज़ तो यहाँ पे फिक्स है कि ये आपकी 20% एनुअली रिटर्न नहीं हो सकता है। मुल्क के हालात जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, आने वाले दिनों के अंदर बेहतरी की जानब आते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये मुनाफा 25% भी जा सकता है, 30% भी जा सकता है। लेकिन आप मुआयजना कर लें, आप एक्सपेक्ट कर लें कि 20% आपको मुनाफा मिलता है, और आप जब वो मंथली की बुनियाद पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैलकुलेट पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपने जो है वो 10 सालों के अंदर 6,60,000 रुपये देने हैं बैंक को, 5,000 की एक साथ की सूरत में, और बैंक आपको 10 साल बाद 21,00,000 रुपये रिटर्न में देगा। अगर आप यही इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली करते हैं तो फिर आपका मुनाफा कम हो जाएगा। डेफिनेटली आप बैंक को 2,20,000 देंगे, यानी कि साल में सिर्फ 20,000 आपने देने हैं, और बैंक को आपको टोटल आपने बैंक को जब 2,20,000 देंगे और रिटर्न में बैंक आपको 6,97,000 देगा। अब आपके ऊपर है, आप 5,000 से ऊपर जितना चाहें चले जाएँ, आप 10,000 पे भी जा सकते हैं। 10,000 आप लोग सेलेक्ट कर लें, आप कहते हैं कि जी मैं 3 माह बाद 10,000 रुपये दूंगा, तो उस पर भी आपको 12,68,000 मुनाफा होगा। और अगर आप लोग मंथली सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 10,000 के ऊपर आपको 38,00,000 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। डेफिनेटली मुनाफा कम या ज़्यादा हो सकता है, चलिए आप 38-30 लाख भी करें तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा सौदा रहेगा। और जाते दौर के अंदर महाना का 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है, अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए आप इतना तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।